लोगों को हम इसी में से ले लेंगे जो नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिमा वर्मा, शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय भोपाल से। आज का आपका जो टॉपिक है वो है किशोर अवस्था में आहार नियोजन किस तरह से करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आहार नियोजन से आप क्या समझते हैं। आहार जो हम रोज रूटीन में लेते हैं उसको नियोजित करना, मतलब प्लान करना, योजना में डालना क्यों आवश्यक है। हमारी पिछली बहुत सारी क्लासेस में आपको छोटा छोटा बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं। सबसे पहले मैंने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बताई थी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताया था, और स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, इन सब चीजों को देखते हुए हमको ये आवश्यक है जानना कि प्रतिदिन का आहार हमारा संतुलित रहे, और इस प्रतिदिन के आहार के संतुलित रहने में हमें क्या-क्या पोषक तत्व लेने चाहिए और किस तरीके से हमारा आहार नियोजित। और ये जो आज का टॉपिक है इसको इंटरैक्टिव रखिए, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। और एक चीज और अपने लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले बोलना चाह रही हूँ कि कोऑर्डिनेटर्स ये ध्यान रखें कि कैमरा इस तरह से एडजस्ट करें कि क्लास का पूरा व्यू आए। अभी आधी कटी हुई क्लास हमें दिखाई देती है, सारे बच्चे हमें दिखाई नहीं देते, तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपका जो सेटिंग है ये सही रहे। कोऑर्डिनेटर्स माइक को चेक करके रखें, बच्चों को यदि बीच में क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आप लोग फॉर्मुलेट भी करके रखिए, आप लोग को अवश्य रूप से पूछना चाहिए, आप ही लाभान्वित होंगे। जैसा कि आपको सरल तरीके से समझाने के लिए अपन ये समझ लें कि आहार नियोजन में खाली पोषक तत्व नहीं आता है, उसमें सबसे पहले तो आपका बजट आता है कि आपके पास कितना पैसा है जो आप आहार पे खर्च कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जो आम सर्वे हम लोग करते हैं और उसमें जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो लोग मतलब बहुत सारी चीजों को ऐसे बोल के निकाल देते हैं कि वो तो महंगा था तो हमने नहीं लिया। मतलब एक एग्जाम्पल अगर लें कि अगर हम फल की बात करते हैं तो वो खुद ही शुरू ही हो जाते हैं वो कि एप्पल हम नहीं ले सकते मैडम, हम उनको बोल ही नहीं रहे हैं कि वो एप्पल ले। बात समझ में आ रही है आपको कि बजट जो है आपका जो सीमित साधन है उसमें ही आपको आहार को नियोजित करना है। ये बहुत ही प्रमुख कारक है, फैक्टर है जिसको आपको देखना है। अंडा यदि आप नहीं लेते हैं तो उसका विकल्प आपको पता होना चाहिए कि अंडा लेना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ से ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी लोग अंडे खाएं। आपको हाई प्रोटीन डाइट, स्थूल पोषक तत्व जो देना है उसमें स्थूल पोषक तत्व जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आप किस तरह से प्रोटीन को ले सकते हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए। पोषक तत्व न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन से आवश्यक होते हैं। किशोरावस्था में कैलोरीज का ध्यान रखना है, प्रोटीन का ध्यान रखना है, आयरन का ध्यान रखना है, लोह तत्व कैल्शियम का ध्यान रखना है। तो ये जो न्यूट्रिशन है इसको थोड़ा सा संतुलन की तरफ देखते हुए ध्यान रखना है। जैसा मैंने पिछली क्लासेस में आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने क्लास ली थी उसमें फास्ट फूड के बारे में आपको बताया था। फास्ट फूड में हमें ज्यादा अच्छे से कैलोरी और पोषक तत्व और संतुलन नहीं मिलता है। मैंने आपको ये बोला कि रोज रोज जो फास्ट फूड लेते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि किस तरह से वो अपने आहार को इससे वंचित रखें। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, मतलब आहार लेना और टाइम, आजकल जो ये बहुत ही बड़ा कारक है जो आप लोग नहीं ध्यान रख रहे हैं। आप कोई कोचिंग पे जाते हैं बच्चे, कोई कॉलेज आ जाते हैं और इस तरह से आप अपने आहार में जो कमी लाते हैं या कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ उल्टा सीधा खा के आ जाते हैं, तो टाइम को नियोजित करिए, उसको टाइम टेबल के हिसाब से आप बनाइए। और चौथा, मैंने जो चार इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं, मील अपील। एक्चुअली जो कुछ भी बनाए या जो आपके यहाँ जो मदर बनाती है या आप सर्वेंट बनाता है कोई भी, उसको इन चीजों का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखवाना पड़ेगा कि मील अपील मतलब खाना दिख कैसा रहा है। एक तो हमेशा खाना ताजा खाना चाहिए, बासी खाना बहुत
तरीके से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करता है, उसमें सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं ग्रो कर ही जाते हैं, चाहे फ्रिज में भी रखो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और उसका कलर, कलर उसका अपील, उसका टेक्सचर, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद ही ले सकते हैं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये खाइए एक लड्डू, और वो लड्डू आपसे टूट ही नहीं रहा है, तो अपील उसका ऐसा हार्ड है कि आप उसको अपने प्लेट को सरका देते हैं, है ना। कोई चीज बहुत पतली हो गई है तो आप उसको सरका देते, तो अपील का भी ध्यान रखना है। तो ये इसके सिद्धांत हैं, जो चार सिद्धांत को लेके अपन बात करते हैं। बजट की बात जो हम करना चाहते हैं, फैमिली फूड बजट, जैसे कि पूरा आय जो आपका होता है, इसको डिटेल में नहीं लेंगे, हम सिर्फ अपना फूड बजट की बात करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी घर में जो आय आती है वो कुछ इम्पोर्टेंट चीजों में जरूरी है कि विभाजित होती है। जैसे फूड बजट होना ही चाहिए, क्लोथिंग बजट होना ही चाहिए, मिसलेनियस, मेडिसिन, मतलब एजुकेशन, तो ये जो डिवीजन है बजट्स का, उसमें आपकी ये बहुत फैमिली को, बहुत कुछ फैमिलीज को बहुत कठिनाई से भी गुजरना पड़ सकता है कि वो इसको कैसे नियोजित करें। लेकिन नियोजित करना है मतलब आपको महीने भर कितना पैसा मिल रहा है। कुछ फैमिलीज में महीने भर तो वो सोच ही नहीं सकते, कुछ हफ्ते भर सोचते हैं, कुछ हफ्ते भी नहीं सोच पाते, जो डेली वेजेस वाले हैं वो प्रतिदिन सोचते हैं। तो हम आहार के बजट की बात अगर करते हैं तो फैमिली को देखना चाहिए कि कितना हमारा साधन है और उसमें से हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं इस पे। जैसे कि जो ज्यादा मतलब रिच पीपल्स होते हैं या हायर इनकम ग्रुप के, वो इसको, उनके लिए भी प्लानिंग जरूरी है, लेकिन वहां पे बजट उनका उनका कुछ तरीके से ऐसे फेल हो जाता है कि अधिक पैसा होने के कारण वो बहुत सारी चीजें स्टोर से ब्रांडेड उठा लाते हैं। तो वो भी वहां पे मैं बोलूंगी कि प्लान जो है वो आपका जरूरी है, प्लान, सूची, आपका लिस्ट बनना कि कौन सी चीज आपके किचन में चाहिए जो कि आपके लिए आवश्यक है। और यहाँ पर प्रत्येक एक एक इंच जो पैसा यूज कर रहे हैं आप फूड आइटम पे, वो लाभकारी होना चाहिए। न्यूट्रिशन को लेके यदि बात करते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो पौष्टिक भोज्य पदार्थों से ही बनता है। आपकी जो प्लेट है उसमें पौष्टिक भोज्य पदार्थ का समावेश होना चाहिए, और उसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। तो पोषक तत्व के लिए आपको चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ फूड करना, आपको ये डेली करने की बजाय, जो प्लानिंग की आज मैं बात कर रही हूँ, आज का लेक्चर अगर आप अपने घर ले जाएं, अपनी मदर को बताएं और उनको सहयोग करें, तो आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य में लाभान्वित होगा, पूरी फैमिली को भी फायदा होगा, क्योंकि आप इसको नियोजित कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप हरी छिलके वाली मूंग की दाल करते हैं एक दिन के आहार में, तो उसके साथ आप देखिए कि आप पालक ना करके आप कद्दू की सब्जी कर लीजिए, गाजर की, तो कॉम्बिनेशन भी आप देखिए कि हमको थोड़ा सा प्लेट पे कलरफुल होना चाहिए, एक रास्ता नहीं होना चाहिए कि सारे पीले पदार्थ हो गए, सारे हरे पदार्थ हो गए, थोड़ा सा ये भी, और पौष्टिकता के हिसाब से भी। तो प्लानिंग करते समय आपको ये, अच्छा ओके, आज छोले भटूरे बना लेते हैं, आज डोसा बना लेते हैं, तो इस तरह से रेसिपी वाइज, या आज कटलेट, वेजिटेबल कटलेट बन जाएगा नाश्ते में, कल ऑमलेट बन जाएगा, तो ये जो वेराइटी है इसको दिमाग में है, मुंह में आपको उसकी लालच आ रही है खाने की या इच्छा हो रही है, वो सब है, बट प्लानिंग मतलब इट शुड बी ऑन अ पेपर, पेपर वर्क करके, और आप फिर घर के बजट के हिसाब से कि जो चीज अवेलेबल है उसमें ही अपन उस साधन में करें। जैसे कि आप जब अपने किचन की सफाई करते होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा बच जाता है, उसको आपने भिंगा दिया, और भिंगाने के बाद आपने उनको ये करा कि उसको पीस के आपने न्यूट्रिशियस कटलेट बना लिए या पकोड़े बना लिए, तो ये जो चीजें आप कर रहे हैं उससे आप अपने परिवार को कुछ संतुलित चीज दे रहे हैं, और उसी में आपने थोड़ी सी पालक कट के डाल दी तो फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया। तो ये नियोजन अचानक नहीं होता, ये आपको
प्लान करके होता है। तो पौष्टिक तत्व या पोषण का ध्यान आपको रखना है। प्लेट पर कैसा पोषण होगा ये आप देख लीजिए। इस तरह से आपको जो स्क्रीन पे तो थोड़ा सा कलर दिखाया जा रहा है उससे आपको थोड़ा सा ये कि होल ग्रेन भी हो गया, वेजिटेबल्स भी हो गए और इस तरह से आपकी आइटम्स में। टाइम, टाइम जो ये चार सिद्धांत अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आजकल बहुत सारे कन्वीनियंस फूड बाजार में मिल रहे हैं, फास्ट फूड मिल रहे हैं और माइक्रोवेव्स रहते हैं, डिश वॉशर रहते हैं, प्रोसेसर रहते हैं, ये सब हमारे जो टाइम मैनेजमेंट करने में सहायक हो सकते हैं या टाइम सेविंग टूल्स हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि हमको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। अब आप ये बताइए, बहुत सारे घरों में मैंने ये भी देखा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इच्छा शक्ति से प्लानिंग मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ कि आज तो मुझे यही खाना है और फिर हम बाजार से जा रहे हैं, वो खरीद के ले आ रहे हैं सामान, फिर उसको भिंगा रहे हैं, फिर उसको बना रहे हैं, यहाँ पर वो बातें नहीं डिस्कस हो रही। अपन ये बोल रहे हैं कि आपकी मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग और डेली प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आपका समय बचे। जैसे कि मैंने भिंगाने की बात की, कोई भी पदार्थ अच्छा तभी बनता है जब वो या तो रात भर भींगा रहे या 6 घंटे भींगा रहे। कई बार आपको मैं ये बता दूं, हम लोग फूड साइंस वाले हैं, हम लोग पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, राजमा बिना गले भी बन जाता है। उन्होंने धोया कुकर में, 5 सीटी लगा रहे थे, 12 सीटी लगा दी, बट दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस। आपको राजमा ही खाने का मन था, भिंगाया भी नहीं था और आपने उसको खा लिया। यहाँ पर ये बातें हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, मतलब किस तरीके से हम अपने समय को बचा के और अच्छा खाद्य पदार्थ अपने अपने खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए करें। तो इसमें आपको टूल्स ले लें आप, मतलब जितनी भी गैजेट्स होते हैं टाइम सेविंग, जैसे आप एक खुले में दाल बना रहे हैं और प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, नेचुरली प्रेशर कुकर में टाइम बचेगा। तो ये प्लानिंग भी आपकी यहाँ होनी चाहिए और ये प्लानिंग जब ही शुरुआत में ही हो जाती है और फैमिली जब अपने पूरा अपने आप को व्यवस्थित करता है तो ये चीजों को अपने किचन में धीरे धीरे वो इंक्लूड करता है। कि आप ये बोलेंगे सिल में हमने पीसेंगे, चटनी के लिए हमें मिक्सी ही चाहिए या हमको प्रोसेसर ही चाहिए सब्जी वगैरह काटने के लिए। आजकल बहुत सारे डिवाइसेज आने लगे हैं, मतलब सस्ते महंगे सब। फ्रूट्स को देख लीजिए, तो आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे ढूंढने की बात है, आप देखिए आपको वो मेले वगैरह रखते लगते हैं, तभी भी आपने देखा होगा कि ये कटर पीलर ये सब वो आपको बताते हैं कि इससे फटाफट गाजर ऐसी छिल जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे प्याज कट जाएगी। तो आप ये देखिए कि वी आर टॉकिंग कि टाइम जो है प्री प्रिपरेशन प्रिपरेशन इनके लिए और कुछ चीजें बने, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कन्वीनियंस, उसमें आजकल पिसा हुआ मसाला भी बाजार में अवेलेबल है, आप पीस के रख सकते हैं यदि आपके पास साधन है। आपने पीस के बहुत महीनों का नहीं रखना है, सिर्फ हफ्ते भर का लहसुन अदरक प्याज आपने पीस के रख ली, बाजार में भी पिसा हुआ मिलता है पेस्ट। तो आप ये देखिए प्यूरीज मिलती हैं बाजार में, आप प्यूरी घर में बना के रख लीजिए। तो टाइम एंड मनी यहाँ पर हिडन में है कि अगर हम टाइम बचा रहे हैं तो पैसा भी बचा ले। सस्ते सीजन में जब टमाटर कम उसके आते तो प्यूरी बना के रख लें, सॉस बना के रख लें, तो ये आपका मनी बचाएगा, टाइम भी बचाएगा, मनी भी बचाएगा। आपको कोई ग्रेवी बनाना है तो आप प्यूरी यूज कर सकते हैं। अब आपकी प्लानिंग के लिए जो गाइडलाइन अब अपन देखना चाह रहे हैं, अब आप देखिए कि आपको बहुत सरल तरीकों से हम बताएंगे कि ये कुछ निर्देश अगर आप फॉलो कर लेते हैं मील प्लानिंग में, आहार नियोजन में, जो मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ कि क्यों करना चाहिए आहार नियोजन। कुछ बच्चे अपना कुछ और ही पढ़ रहे हैं और इसीलिए फिर आप प्रश्न नहीं पूछते, स्क्रीन पे कोई बच्चे नहीं देख रहे है, ऊपर देखिए आप झाबुआ में, झाबुआ की 4 लड़कियां अपना कुछ असाइनमेंट कर रही है, तो आप बाहर ही चली जाओ क्लास के। कोऑर्डिनेटर प्लीज इस चीज को देखिए कि बच्चे स्क्रीन पर देखें। कुछ बच्चे टेढ़ा मुंह करके बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों की स्क्रीन तिरछी है, आप लोग पूरा एडजस्ट करिए स्क्रीन को। तो कलर, जैसा मैंने बताया कि प्लानिंग में कलर की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप
थोड़ा थोड़ा सूझबूझ से आहार को इस तरह से नियोजित करेंगे कि आपका जो प्लेट है वो कलरफुल दिखाई दे। शेप, शेप मतलब आकार, जो भी चीज खा रहे हैं आप बहुत सारी चीजों में चाहते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर आकार आपको खाने में मिले, मतलब राउंड शेप हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया, बर्फी शेप हो गया। तो शेप जो है, जैसे ब्रेड आपको स्क्वायर ही मिलती है और लेकिन आप अपनी कलाकारी से उसको ट्रायंगल राउंड कटोरी से काट के बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। फ्लेवर, फ्लेवर मतलब सुगंध, आहार में सुगंध एक तो नेचुरल होती है, दूसरी आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल जो कि आप सारे मसालों से करते हैं, आप देखिए कि जरा सा तेल गरम करके आप उसमें जीरा ही डालते हैं तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। उसी तरह से तेज पत्ता डाल से करें और तेज पत्ता डालें, गरम मसाला डालें और आपको पुलाव बनाना है तो उसका फ्लेवर इंक्रीज करें। तो फ्लेवर जो है, सुगंध आहार की, वो उसका भी प्लानिंग में ध्यान रखना है। टेक्सचर, टेक्सचर मतलब आहार किस तरीके से, एक बर्फी मैं बोल रही हूँ खा लो लेकिन जैसे आप उठाते हैं आपके पूरे हाथ में चिपक जाती है तो वो गलत टेक्सचर है। बर्फी सूखी हुई होना चाहिए, हम उसको उठा के मुंह में रख के काट सके। तो टेक्सचर ऑफ फूड, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है फूड का। टेम्परेचर मतलब कि थर्मल कंडीशन जो होती है, हॉट फूड हॉट, कोल्ड फूड कोल्ड। गरम खाना आपको दाल ठंडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, आपको उसको अच्छी कड़क गरम करके बघार के खाएं। आइसक्रीम गरम बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो साइकोलॉजी है फूड की, उसको आहार नियोजन में ध्यान रखें। और जो प्रिपरेशन मेथड है, बनाने की विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आहार में, आहार नियोजन में हम ये देखें, जैसा कि हमने बहुत सारे आपको लेक्चर्स में बताया है कि हमको किन बातों का ध्यान रखना है, वहीं पर यहाँ पर देखें कि हमारी बनाने की विधियां क्या है। बनाने की विधियां में जैसे कि बहुत सारी चीजें आप तल के बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सेक के बनाते हैं, कुछ रोस्ट करते हैं, भुनी हुई चीजें रहती हैं, कुछ तवे पर सिकती हैं जैसे पराठे वगैरह। तो प्रिपरेशन, कुछ बॉइलिंग, कुछ स्टीमिंग। तो आहार नियोजन जो है वो अपना इस बात पे भी निर्भर करता है कि हरदा आपकी कंप्लेन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो पीछे तीन लड़कियां बैठ के बातें कर रही हैं। हरदा आगे आ जाइए, हरदा, तीनों लड़कियां फिरोजी एंड रेड आगे आइए उठ के। आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पूरा आपको हायर एजुकेशन देख रहा है, खाली मुझे और आपको नहीं, आपको देख रहा। उठ के आइए आप लोग, हरदा की बहुत कंप्लेन है, चलिए उठ के आइए। कोऑर्डिनेटर्स आप लोग इस चीज को देखें कि बच्चे बिल्कुल ध्यान से करें, झाबुआ में तो लड़कियां सुन ही नहीं रही हैं। तो और फिर उसके बाद आपकी आएगी न्यूट्रिशनल वैरायटी। न्यूट्रिशनल वैरायटी से क्या समझते हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि खाली आपकी थाली में प्रोटीन ही प्रोटीन हो। इसके एग्जांपल कैसे बता सकते हैं कि आपने थाली में दाल भी रख दिया, आपने सोयाबीन की भी सब्जी रख दी, आपने छोले भी रख दिए, तो पता चला पूरा प्रोटीन है, कोई वैरायटी नहीं है। तो वैरायटी का मतलब ये है कि कुछ फल, कुछ सब्जी, कुछ दूध, कुछ दही, ऐसा मतलब कई पदार्थ जो है, पोषक तत्व जिसके अलग अलग हैं, उनके मूल्य अलग अलग हैं, भोज्य पदार्थ अलग हैं, उनको आप लीजिए। जैसे आप बोलेंगे मेथी का पराठा या पालक पनीर या अंडा करी, ये सब वैरायटीज हो जाती हैं। और ये रेसिपी की जो वैरायटी है, जिसमें बहुत आज दिनांक तक भी मुझे लग रहा है कि इनोवेशंस खत्म नहीं हो रहे, रोज ही कुछ नया नया हमारे सामने आहार में के उसमें आता है और ये सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं। आप कभी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि एक बिस्किट की कितनी वैरायटी है। बिस्किट जो बाजार में मिलता है, चाहे वो ब्रिटेनिया कंपनी बनाए या कोई भी, आपको तरह तरह से वो, कहीं कोकोनट बिस्किट, कहीं क्रीम बिस्किट, कहीं सारे एसेंस वाले बिस्किट, और शेप और
उसके लिए नया कुछ लाके, आजकल ओट्स के बिस्किट भी आने लगे हैं, हाई फाइबर बिस्किट आने लगे, तो थोड़ा ये जो पॉइंट है इसको हम न्यूट्रिशनल वैरायटी बोल रहे हैं। आप एक ग्लूकोज बिस्किट खाते हैं वो मैदे से बनता है, लेकिन अगर आप एक ओट्स का बिस्किट खाएंगे और हाई फाइबर बिस्किट खाएंगे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये आपके लिए बिल्कुल पकड़ के इम्पोर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति मील प्लान करेगा वो इन बातों को ध्यान में रखेगा। अपन ने ये बातें जो करी गाइडलाइंस की, ये आपके मील अपील के कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाते हैं। मतलब जो मैंने आपको मील अपील जो चार सिद्धांत पहले बताए थे, अब आगे बढ़ रहे हैं तो उसी पे ये डिपेंड है कि मील अपील वाला जो सिद्धांत है वो इन तीनों चीज से आ जाएगा कि जैसे आपने खाना पेश किया अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से, उसका शेप भी अच्छा है और कलर भी उसका अच्छा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये तीनों चीजों को लेके, कलर का कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है कि आप अगर हरा पदार्थ कर रहे हैं, हरे भरे कबाब रख रहे हैं तो उसके साथ टमाटर की चटनी हमको रखनी है, ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन, उसके साथ हरी धनिया की चटनी बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो छोटी छोटी सी चीज है जो आपके मील अपील के कैरेक्टरिस्टिक्स को कर सकती है। और शेप तो बिल्कुल खेल खेल में हो जाते हैं, आप देखिए वो सलोनी बनाते हैं हम लोग या मच्छी बनाते हैं, उसमें कितने तरह के शेप्स हम काट के उसको कर सकते हैं। और फ्लेवर जो है वो मील अपील बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये इसको सुगंधित करता है खाने को और आपके टेस्ट बड्स को टेम्पटेटिंग करता है, स्टिमुलेट करता है। या अच्छी खुशबू दूर से भी आएगी तो आपके मुंह में पानी आने लगता है, मतलब टेस्ट बड्स जो है वो आपके सक्रिय होने लगते हैं। मील अपील का जो आगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स और देख रहे हैं वो टेक्सचर की, टेक्सचर आपका क्रंची है, सॉफ्ट है, च्यूई है। जैसे आप ये देखिए कि पापड़ यदि उसकी तोड़ने पर आवाज ना आए तो आपको खाने में मजा नहीं आएगा। पापड़ का टेक्सचर आपको कैसा चाहिए, कड़क, और यदि वो सौगी हो जाता है जैसा कि बरसात में तो आप उसको नहीं खाते। तो टेक्सचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो टेक्सचर आपको वैसा ही होना चाहिए। और टेम्परेचर आपका इस तरह से होना चाहिए जो कि कुछ चीजें नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप चाहते हैं, जैसे सलाद वगैरह, गरम सलाद कोई नहीं देता, पका हुआ सलाद कोई नहीं खाता, और बहुत ज्यादा ठंडा भी सलाद नहीं खाता, रूम टेम्परेचर पे आपको उसको रखना चाहिए। और इसीलिए हम लोग सलाद के ऊपर गार्निशिंग कर देते हैं या उसको इस तरह से ड्रेसिंग्स करते हैं जिससे कि वो खराब ना हो, सूखे ना, पानी ना सूखे, नमक के पानी से निकाल के या उसके ऊपर ऑयल की ड्रेसिंग करके या नींबू निचोड़ के, तो उसको एक उसमें और खाने के 10-15 मिनट पहले ही उसको काटते हैं। सर्विंग अगर आप करते हैं फूड की तो टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं। आप बोलते हैं कि अच्छा अब 8:30 बजे टाइम जो है हमने बोला, 8:30 बजे यदि डिनर का टाइम है तो आप बस थोड़ी देर पहले ही खाने को गर्म करके टेबल पे लगाएंगे जिससे कि वो खाने, क्योंकि ये फैक्टर्स जो मील प्लानिंग के हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति ने तो खाने की इच्छा नहीं होगी। अब जहां तक कि अपन ने मील प्लानिंग की जब बात कर रहे हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके करें, तो आप ये गाइडलाइन भी देखें कि हम किशोर लोग, बच्चे जो हैं वो प्रतिदिन कौन सी चीजों की कितनी सर्विंग ली, क्योंकि उस सर्विंग के हिसाब से ही आपको प्लानिंग करनी है। तो आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप देख लीजिए कि जैसे साबुत अनाज जिसमें ब्रेड, आटा, चावल और बाकी चीजें आती है, उसकी 6 से लेकर 11 सर्विंग एक किशोर व्यक्ति को लेना चाहिए। इसको आप चाहो तो नोट भी कर लो प्लीज, जो आपके लिए बहुत लाभ काम की चीज है। फ्रूट जो है 2 से 4 सर्विंग, अभी आप हाथ ही ऊपर कर देना, मुंह से मत बोलो तो कि कितने लोग 2 सर्विंग भी ले रहे हैं। मुझे तो 1 सर्विंग वाले बच्चे भी कभी कभी नहीं मिलते, तो आपको दिन भर में 4 सर्विंग लेना है। आधा केला खा लो, आधा संतरा खा लो, मौसम्बी ले लो, अंगूर ले लो, मतलब कुछ ना कुछ फ्रूट आपने थोड़ा थोड़ा भी लिया तो वो हम मान लेंगे कि चलो इस बच्चे ने लिया। वेजिटेबल की 3 सर्विंग, सब्जी 3 सर्विंग तो आपको मिनिमम खानी ही है,
सुबह दोपहर शाम के इसमें सब्जी आपको इतनी लेनी है। फिर अगर अंडा मांस मछली खा रहे हैं तो उसकी 2 से 3 सर्विंग आपको लेनी है। किशोर की बात कर रहे हैं, मिल्क योगर्ट दही चीज ये सब चीजें आपको 3 से 4 सर्विंग लेनी है। और ऑयल, तेल, घी और शक्कर कम से कम, कम से कम मतलब 1 सर्विंग बस ले लीजिए आप, मतलब दिन भर में ज्यादा नहीं ले बहुत, क्योंकि किशोरावस्था वह अवस्था है, पहले भी बता चुके हैं कि मोटापा बहुत जल्दी आता है, और अगर मोटापा आ जाता है तो आपको भयंकर आगे अडल्ट होने पर बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है, डायबिटीज और ये जो हम लोग बड़े जो अडल्ट को देखते हैं तो अपन सोचते हैं, बट आपको ये बात आज क्लियर हो जानी चाहिए कि सारी बीमारियां हम बचपन से ही कैरी करते हैं। पैदा होते साथ ही यदि खान पान का ध्यान माता ने ठीक से पाला नहीं है, फिर आपको ठीक से पोषण नहीं मिला है, तो धीरे धीरे कोई भी ये जो बड़ी बीमारियां हैं ये सब लॉन्ग टर्म है। और आपको ऐसा लगता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक मतलब सब सोचते हैं कि ये मोटा है या तेल घी ज्यादा खा रहा है, बट आप कभी देखिएगा, पढ़ के देखिए और देखिए, हार्ट अटैक कैल्शियम की कमी से भी होता है, हार्ट अटैक विटामिन ए और डी की कमी से होता है। तो आप ये देखिए कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनके लिए मैं आपको प्लानिंग करने बोल रही हूँ कि प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए कि आपका जो भविष्य है वो आपके ही हाथ में है। आपको ये भी ध्यान रखना है कुछ 6-7 बातें मील प्लानिंग के करते समय। पहले आपकी जो फैमिली की किस तरीके की आपकी मील प्रिपरेशन करने के तरीके हैं, क्योंकि अब जो बात अपन करने जा रहे हैं, यहाँ मान लो 100 बच्चे भी बैठे हुए हैं और मुझे भी मिला ले, तो सबके घर का तरीका बनाने का खाने का अलग अलग हो सकता है, सबके रिसोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, तो और सबके टाइम अलग अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत 19-20, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम जो है सुबह दोपहर शाम और रात का वो आप देख लीजिए, 8 से 9 बजे नाश्ता सुबह का, 12 से 1 के बीच में लंच, 4 से 5 के बीच में शाम का नाश्ता और 8 से 9 के बीच में डिनर, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है इसको ही मेंटेन आगे पीछे करके रखें तो हमारा स्वास्थ्य लाभान्वित होगा चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो ये जो बातें 7 बातें अपन करने जा रहे हैं ये अपनी जो फैमिली को रिलेट करती हैं वो ये बातें। एक, जब हम अपनी फैमिली के लिए आहार का नियोजन बना रहे हैं, मतलब आज हम आपको टीनेजर के हिसाब से बता रहे हैं लेकिन आप हैं तो फैमिली का एक पार्ट, आपके लिए अलग से तो खाना बनेगा नहीं, इसलिए आज का लेक्चर आपके घर जाना चाहिए और आपकी फैमिली साइज आपको पता है और उसी में आपको उसी बजट में और अपनी फैमिली के हिसाब से। अब एक यहाँ पर लड़की बैठी है जिसके घर में सिर्फ 4 ही लोग हैं और दूसरी लड़की बैठी है उसके घर में 8 लोग हैं, तो एक जैसी प्लानिंग हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए अपने घर की प्लानिंग आपको खुद ही देखनी होगी कि हमारा परिवार कितना बड़ा है और उस परिवार को पालने के लिए हमारे पास में बजट कितना है, प्रिपरेशन टाइम कितना है। मान लीजिए कि जो बड़ा परिवार है उसमें ज्यादा लोग बाहर ही बाहर जाते हैं, सर्विस वाले लोग ज्यादा हैं क्योंकि अर्निंग करनी है लोगों को, मतलब अच्छे से करने के लिए, और जो छोटा परिवार है उसमें सिंगल अर्निंग पर भी हो रहा है, तो इट विल डिपेंड। तो फैमिली साइज को आपको देखना है और उस फैमिली साइज में फिर सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि किस आयु के लोग हैं, किस आयु के लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, टीनेजर हैं, बूढ़े हैं, पेरेंट्स हैं। तो ये जो आहार नियोजन है, अब होगा किचन में खाना तो एक जैसा ही बनेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन करते समय आप सबका ध्यान रखते हुए कि जैसे जो बच्चे हैं बच्चों के लिए खीर जरूर बन जाए या दूध की बनी चीजें, क्योंकि वो ग्रोथ वाले बच्चे हैं और उनको कौन सा पोषक तत्व चाहिए। तो बड़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं, तो आप खिचड़ी जैसी चीज बनाएं कि भाई एक आध बार शाम को, कि भाई उनके दांत ओल्ड लोग हैं तो दलिया बना दे, तो कुछ मिक्स चीजें बीच बीच में सॉफ्ट चीजें भी रखें, कभी इडली वगैरह बना दें, ढोकला बना दें। तो ये मील प्लानिंग के अंश होते हैं जो आपको करने हैं। भाई आपके घर में जो भी इस एज ग्रुप के लोग होंगे उनके हिसाब से आहार का नियोजन होगा। अब
तीसरी बात जो आ रही है एक्टिविटी लेवल, भाई वो कार्य कर क्या रहे हैं, वो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और यदि सेडेंट्री हैं तो कम की जरूरत पड़ेगी। तो और कोई मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं आप देखिए, वो ज्यादा रोटी खाते हैं, 7-8 रोटी वो खा लेते हैं। तो ये मेरा कहने का यह मतलब है कि एक्टिविटी क्रियाशीलता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोई लिथार्जिक होता है, मतलब कम काम करता है, कोई बहुत मेहनती होता है, ज्यादा काम करता है, कोई एक्सरसाइज ज्यादा करता है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फूड प्रेफरेंसेस, घर के अंदर जो अभी अपन ने बात की, जितने भी लोग हैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है। ज्यादातर आहार नियोजन इन बातों पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी महिला जो गृहिणी जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, अगर वो कुकिंग कर रही है तो वो इस बात, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके किचन में चीजें बच जाएं, लोग खा नहीं रहे। मान लीजिए सपोज आप लौकी जैसी चीज का, लौकी खिचड़ी एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, जो मिनिमम बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है और आप रोज रोज बनाएंगे तो वो, तो इसलिए जो आपके कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो फूड आइटम्स हैं जो फैमिली मेंबर्स को पसंद है, उनकी प्रेफरेंस है, उनको ही आहार नियोजन में लेंगे। और कभी कभी ओकेजनली आप कुछ चीजों को, नई चीजों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं वो उससे अकस्टम्ड हो। टाइम की हमने बात कर ली है, यहाँ पर टाइम प्रिपरेशन जो आपका खाना बनाने का है वो भी इंक्लूड करिए, जो आपका टेबल पे खाने का टाइम है वो भी इंक्लूड करिए। इवन टाइम को लेके अगर बात कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, अगर आप वर्किंग वुमेन है या मान लीजिए कोई कॉलेज जाने वाले बच्चे मिलके रहते हैं, आप ये देखिए कि आपके पास कितना टाइम है पर्टिकुलर रेसिपी को बनाने के लिए। तो आप कोई ऐसी रेसिपी जिसको बनने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप उसको लिए छुट्टी वाले दिन रखिए, और आप जिसमें टाइम रिक्वायरमेंट कम, टूल्स ज्यादा अपने यूज करके आप फटाफट उसको न्यूट्रिशियस रेसिपी को बनाएं। कुछ चीजें आप बना के रख सकते हैं, जैसे देखिए आप लोग करते नहीं है लेकिन एक पंजीरी होती है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, और उसको एक दिन किसी दिन संडे को भून के आपने रख लिया, थोड़े से घी में आटा भून के रख लिया, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस के डाल दिया, तो आप उसको किसी भी समय आप ले सकते हैं, क्योंकि वो रोटी नहीं बनाने का टाइम नहीं ना आपके पास। तो आपने वो पंजीरी को दूध में घोल के ले ली, ऐसी सूखी फांकली। तो वैरायटी की जहां हम बात कर रहे हैं, हमारे इंडियन पैटर्न में तो बहुत सारे फूड्स हैं जो कि हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। प्लानिंग में मैंने पंजीरी का एग्जाम्पल बताया, ऐसे आपके पास और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि आप बना के रेडी टू ईट फूड रख सकते हैं 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर के लिए। टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा मैंने एलोबरेट इसलिए किया है क्योंकि टाइम जो है आपका किचन यदि व्यवस्थित रहेगा और आप उसको उस व्यवस्थित उसमें फटाफट काम कर लेंगे, इजीली क्लीन कर लेंगे, आपके इंग्रेडिएंट्स जो सामान लाके आपने रखा है वो बकायदा लेबल करके रखा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में, और आपका टाइम बचेगा और आपको शॉपिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। सारी शॉपिंग स्ट्रेटजी आप एक दिन बैठ के बनाइए, लेके आइए, सबको अच्छे से जमा के रखिए, जो चीजें आपको भिंगानी है उनको ऐसा जमा के रखिए कि आपको वहीं से निकाल के भिंगा देना है, रात में भिंगाना है, सुबह पीसना है। तो ये पूरे सिस्टमेटाइज मतलब ऑर्गेनाइज्ड अगर करें, कौन सी चीजें आप जैसे ज्यादा क्वांटिटी में कोई फूड लाते हैं और उसको फ्रीजर में डाल देते हैं और फिर निकाल के करते हैं, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो तो फ्रीजर में ही रहते हैं आजकल, जैसे मटर वगैरह भी हम लोग उसको फ्रीजर में डाल देते हैं प्रिजर्व करके। तो इसमें क्या है कि आपको बस निकालना है, गर्म पानी में उसको डालना है और रेडी टू यूज हो जाता है। तो ये लेकिन हमको प्रीवियसली प्लानिंग के अंदर यदि हम रखते हैं ना कि ये हमारा है, तो आप देखिए कि बहुत सारी चीजें हम ऑफ सीजन भी अपनी फैमिली को दे सकते हैं, है ना। और कन्वीनियंस फूड जो होते हैं आपके इसी तरह से तैयार किए जाते हैं जो कि आपके एक्सपेंस को बचाते हैं।
जैसे मैंने मटर का एग्जाम्पल दिया, तो वो कन्वीनियंस भी हो गया और एक्सपेंस को ऐसे बचा रहा है कि जब एकदम फ्रेश मटर आती है 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, और आप साल भर भी मटर खाए, क्योंकि उधर दिसंबर में जब वो सस्ती हो रही थी 10 रुपए 20 रुपए, हमने ढेर सारी छील के उसको फ्रीजर में रख ली। मतलब एक फ्रीजर में 10 ही किलो, करीब 8-10 किलो आराम से आ जाती है, और आप धीरे धीरे उसको अभी बरसात तक की यूज कर लेते। तो ऐसे कुछ टाइम सेविंग चीजें आप बहुत सारी करके और एक्सपेंस को भी बचा सकते हैं। कुछ स्पेशल डाइट्स भी होती हैं जो घर के लिए कंसिडर होती हैं। ये मैंने पॉइंट आपके लिए इसलिए लिया हुआ है कि जब हम प्लानिंग की बात करें, हम खाली टीनेजर की बात नहीं करना चाह रहे, हम टीनेजर को एक फैमिली के अंदर इंक्लूड करके ही कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारी ऐसी भी स्पेशल डाइट्स, जैसे डायबिटिक डाइट, हाई ब्लड प्रेशर डाइट, लैक्टोज टॉलरेंस डाइट, अल्सर, स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब की डाइट्स का भी हमको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो कम तेल वाली चीजें, डायबिटिक है तो कम शक्कर वाली चीजें। तो स्पेशल डाइट भी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करना है। ये पॉइंट मतलब आपको इसलिए ध्यान रखना है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, आप अकेले नहीं है, आपके साथ आपकी फैमिली भी है, और उस फैमिली में यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो जैसे अल्सर वाला कोई है तो आप तो बिल्कुल भी मिर्च मसाले वाली चीज नहीं बना सकते हैं, सारी चीजें ब्लेंड बनानी पड़ेंगी। तो जैसे आलू का हलवा बन सकता है, या इस तरह की चीजें जो कि उसको उसके जो अल्सर को नुकसान न करें, और ठंडी चीजें उसको दे सकते हैं, सारी आइसक्रीम्स वगैरह, कस्टर्ड वगैरह। तो फिर वो आपके आहार की प्लानिंग में वो कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी कि भाई ये व्यक्ति भी हमारे साथ है और इसकी जो पौष्टिक आवश्यकताओं को करना है। सूजी की खीर है, पनीर की खीर है, मतलब ये सब सॉफ्ट होती है, ये आपके ब्लैंड फूड में आती है, तो ये स्पेशल डाइट का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फूड बजट हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन इसकी कुछ स्ट्रेटेजी हम चाह रहे थे कि आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको शॉपिंग लिस्ट महीने भर की बनाना चाहिए और एक साथ सामान लाना चाहिए। बहुत सारे घरों में मैंने कुछ घरों में देखा है कि टुकड़ों में सामान आता है, टुकड़ों में जो सामान आता है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। आप सोचते जरूर हैं कि ये हम अभी है तो कर लेंगे, कई लोग आजकल बहुत कंप्लेन करते हैं स्टोरेज की कंप्लेन करते हैं कि कहाँ रखें और कौन देखे, कीड़े लग जाते हैं, और इस तरह से बात वही होती है कि या तो आप एक अच्छी लिस्ट बना के महीने भर अपने जो न्यूट्रिशियस फूड की प्लानिंग आपने करी हुई है वो रखें, और आप एक एक बोर्ड बना ले या एक ऐसा कॉपी जैसा बना ले कि आप उससे ये देख लें कि भाई डुप्लीकेशन ना हो। कई बार एक जैसा सामान दो दो तीन तीन चार चार बार भी आ जाता है। और शॉपिंग में आप ये भी देखिए कि पर सर्विंग, आप कॉस्ट को भी देखिए, शॉपिंग में आप कॉस्ट को भी देखिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है शॉपिंग में वो है आपका जो डैमेज्ड फूड आप खरीदते हैं उसको भी ध्यान से देखिए और उसकी पैकेजिंग देखिए। मतलब कई बार क्या होता है कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो उसको आपको देख के खरीदना चाहिए कि कीड़ा लगा तो नहीं है, नहीं तो फिर तो स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी। पैकिंग डेट्स, जो पैकेट पे जो एक्सपायरी वगैरह डेट्स होती है बहुत सारे कॉमर्शियल फूड्स में, ब्रांडेड फूड में, वो भी आपको शॉपिंग से, क्योंकि किचन में लाके रखना और उसको यूज नहीं कर पाना। और तो इसको बेसिकली जो शॉपिंग की स्ट्रेटजी में बोलना चाह रही हूँ उसमें चेकिंग चेकलिस्ट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसको घुमा के देख लेना है, ओ एक्सपायरी हो गई है तो उसको हटाना है, किचन में से हटाना है, डुप्लीकेशन को हटाना है, और आपका जो मील प्लान अपन ने करा हुआ है उसके लिए जो आपने चार्ट बनाया हुआ है या जो भी करा है वो आप उसको आराम से यहाँ पे स्टोर के लिए कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं।
जहाँ तक हो बहुत सारी भीड़ भाड़ के साथ शॉपिंग नहीं करना चाहिए, आपको अकेले जाके शांत मन से करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी फैमिली के लिए जो चीजें खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसे कि ग्रुप शॉपिंग होती है तो उसमें कई बार दूसरे के देख देख के चीजें आ जाती जो आपको यूज करनी भी नहीं आती है ना, और जो आपकी परचेज है उसकी क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो अगर मान लो आप फ्रेंड के साथ जा रहे हैं और वो तो 4 किलो कोई चीज उठा रही है और आपको सिर्फ आधे ही किलो चाहिए, तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपकी शॉपिंग बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए और बजट के अनुकूल, आपने अगर 1000 का बोला है तो 900 का ही सामान लाएं तो दैट इज अ गुड शॉपिंग, 1000 बोल के 1200 का लाएंगे तो फिर आप कहीं अपने बजट को फेल कर रहे हैं। ईटिंग आउट में यहाँ पर आप टीनेजर्स के लिए मैंने ये पॉइंट इसलिए लिया हुआ है कि ज्यादातर जो टीनेजर्स होते हैं मतलब किशोर बच्चे, वो बाहर खाना ज्यादा पसंद करते हैं या बाहर से ला के खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपका बजट ये अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा कि ये सारे फास्ट फूड और जो बाहर से लाए हुए फूड हैं वो आप ले रहे हैं और उससे आपको क्या वैरायटी मिल रही है। तो अगर मील प्लानिंग आप करते हैं तो आपकी ये चीजें अवॉइड होती हैं। ईटिंग आउट एक पॉइंट लिया है मैंने, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आप इसको अपनी प्लानिंग में देखिए कि आप हफ्ते में एक बार बाहर से ला रहे हो या बाहर जाके खा रहे हो, ठीक है, या आप वो चीजें घर में बना के खा रहे हो। तो प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो जो चीजें हम बाहर के लिए करते थे धीरे धीरे हमने उनको अपने घर की मील में इंक्लूड कर लिया कि ठीक है हमको ये जो नूडल्स है, ये फ्राइड नूडल्स हैं या जो है ये हमने सीख लिया है बनाना और अब हम इसके लिए प्रिपरेशन का सामान लाते हैं और इसको बनाते हैं और घर में ही एंजॉय करते हैं, और धीरे धीरे वो बाहर खाने का जो आपका वो है वो लिमिट हो जाता है और उससे आपका बजट भी सही होता है और उससे आपकी ओवर ईटिंग भी कम होती है। बाहर खाने पे ओवर ईटिंग ज्यादा होती है, आप मतलब उन चीजों का ध्यान नहीं रखते और आप ज्यादा भी खा लेते हो, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए ही अच्छी आहार नियोजन करना आवश्यक है। एडोलेसेंट जो टीनेजर है जो कि प्लानिंग के लिए जिसको हम आज बोलना चाह रहे हैं कि वो अपनी प्लानिंग मंथली करे, वीकली करे, डेली करे, और इस तरह से सारी प्लानिंग करके वो अपने आप को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में डाले, तो एडोलेसेंट जो है उसकी जो ऊर्जा है उसको अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, बॉयज को 2600 कैलोरी, गर्ल्स को 2200 कैलोरी, ये जो है इतनी कैलोरी का आहार उसको प्लानिंग में लेना है, और आप लोग इस चीज को सीरियसली लीजिए, आप जो अभी खा रहे हैं वो आपको पूरा पोषण नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं आप कम पोषण में हैं, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिव हो, मेंटल एक्टिव हो, पढ़ने आ रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो यहाँ पर आपको साबुत अनाज बहुत ज्यादा लेने हैं और लड़कियों को आयरन रिच चीजें ज्यादा लेनी है क्योंकि उनका जो हर मंथ में जो मंथली लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुएशन में वो नीड उनकी है, लड़कों को जो कैल्शियम की आवश्यकता ज्यादा होती है उनके जो ज्यादा एथलीट्स में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, तो इनको लो फैट मिल्क नहीं लेना है, इनको अच्छे डेयरी फूड्स वगैरह लेना है, और एडोलेसेंट को अपने आप को मतलब किस चीज में रिच रखना है, कैल्शियम और आयरन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो कैल्शियम और आयरन रिच फूड जो है वो अगर लेता रहेगा वो व्यक्ति एडोलेसेंट व्यक्ति तो वो बाद में उसको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत नहीं होगी, मतलब हड्डी संबंधी समस्या। एक आप ऐसा खांचा बना लीजिए 1 से लेकर 7, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और उसमें आप मोटा मोटा पहले दो दो खांचे ऐसे बना लीजिए अपनी कॉपी में, एक में अभी क्या ले रहे हैं वो भर लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी जैसे डे वन में आज क्या लिया ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या ले रहे हैं, इवनिंग टी में क्या ले रहे हैं, डिनर में, तो ये पूरा भर के पूरा 7 दिन का भरिए और फिर उसको देखिए
कि कहाँ पोषक तत्वों की कमी हो रही है और फिर आप उसको देख के अपने लिए डाइट प्लान करिए, क्योंकि वो जो सुधार है, जैसे मैं नंबर वन पे अभी खाली रखा हुआ है, लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि सवेरे आपने चाय ले ली और एक टोस्ट ले लिया था, और लंच में आपने वही रोटी सब्जी ले ली, शाम को आपने चाय के साथ कुछ पॉपकॉर्न ले लिए, और रात में भी आपने रोटी सब्जी या दाल चावल कुछ ले लिया, खिचड़ी ले ली, तो आप ये देखिए कि आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि ये संपूर्ण आहार नहीं है, इसमें तो कहीं फल नहीं दिख रहा है, इसमें तो कहीं दूध नहीं दिख रहा है। तो आपको मील प्लानिंग जो करनी है उसमें आपको देखना है कि आप कहीं दूध ले रहे हैं, कहीं दही ले रहे हैं, कहीं दही से बनी दूध से बनी चीजें ले रहे हैं। तो ये जो आप अपने सुधार करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। जैसे कि एक सैंपल मेनू भी मैंने बताने की कोशिश करी है, इस तरह से एडोलेसेंट एक सैंपल मेनू ले लें। सैंपल मेनू जो आप लेंगे, एक ग्लास दूध, एक किशोर बच्चा एक ग्लास दूध जरूर ले, अवॉइड टी कॉफी, क्योंकि ये आपके कैल्शियम को अवशोषित होने से रोकेगा। जो बच्चे ज्यादा दूध और चाय और कॉफी ज्यादा पी रहे हैं वो मत पिए, उसके बजाय आप अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो नींबू पानी ले लो, लेकिन आप ये ना लो, मठा ले लो कुछ, मतलब आप उसको चाय कॉफी को अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ब्रेकफास्ट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कोई भी साबुत अनाज का आपको पॉरेज लेना है, दलिया, दूध दलिया ले ली, नमकीन दलिया ले ली, उपमा ले लिया, पोहा ले लिया, आप इस तरह से सब्जियों का सैंडविच ले लिया आपने, या जो लोग अंडा ब्रेड खाते हैं तो अंडा ब्रेड मक्खन लगा के ले लिया, तो ब्रेकफास्ट जो है हमारे एडोलेसेंट बच्चे का काफी अच्छा होना चाहिए। रात भर के फास्ट के बाद उसको ब्रेक करते हैं हम, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट बोला जाता है। 12 घंटे कुछ भी नहीं लेते हैं, सोते रहते हैं, और जब सोते रहते हैं तो वाइटल ऑर्गन्स हमारे सारी एनर्जी को यूज करते हैं, हार्ट ऐसे ही नहीं चलता, हमारा जो बीएमआर है वो मेटाबॉलिक रेट्स जो होती हैं चयापचय की क्रिया के लिए, ये अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं, सारे ऑर्गन्स की जो टूट फूट है उसकी देखरेख रात भर चलती रहती है। तो सवेरे का नाश्ता बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो आप लोग कहीं के भी बच्चे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ टिपिकल ऐसा ही हो, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हो उसमें ध्यान रखना क्या है कि साबुत अनाज ले लीजिए, आप रोटी ले लीजिए, दाल रात की बची दाल से रोटी आटे को सान के ले लीजिए, वो ज्यादा पौष्टिक रोटी होगी, जो आप एक पौष्टिक चटनी के साथ भी ले सकते हैं। पौष्टिक चटनी का मतलब मेरा है कि मूंगफली वगैरह की चटनी जो होती है वो पौष्टिक चटनी हो जाती है। कोई भी चटनी आप पीस रहे हैं टमाटर की, उसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल दीजिए, गरीबों का मेवा बोला जाता है मूंगफली को, और इस तरह से आप उसको कर लेते हैं। उसके बाद दिन में बीच में कभी एक आध फ्रूट ले लिया आपने, ठीक है ना, एक आध फ्रूट ले लिया दिन में, और लंच में आपने एक पूरा सूप लिया। सूप आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, लेकिन जहां तक किशोर की बात कर रहे हैं तो टमाटर का सूप लीजिए, पालक का सूप लीजिए, है ना, रोटी लीजिए, कोई सब्जी प्रिपरेशन वेजिटेबल, गोभी आलू, मटर आलू, भिंडी, भटे आलू, ऐसी कोई भी एक सब्जी आपकी होनी चाहिए, बीन्स या आपकी बरबटी की सब्जी, और कोई भी दाल, मिक्स्ड दाल या दाल की प्रिपरेशन, और एक कप दही। तो आप देखिए कि कॉम्बिनेशन आपका पूरा आ रहा है। अब आपकी समस्या हो सकती है कि आप कहेंगे कि मैडम इस समय तो हम लंच ऐसा वाला जो आप बता रही नहीं ले सकते, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो लंच आप ला भी रहे हैं वो न्यूट्रिशियस हो। आप बिल्कुल भी, आपको कहीं कोई तेल घी और समोसा खाने के बजाय घर की दो रोटी ज्यादा बेटर होगी, तो आप लेके आइए भरवा पराठा, लेके आइए एक कोई सब्जी लेके आइए, तो इस तरह से आप अपने आहार का नियोजन कर सकते हैं। शाम के समय बिस्किट, क्रैकर, ये चीजें जो हम बोल रहे हैं, पॉपकॉर्न, चना, मूंगफली, ये और एक ग्लास फ्रूट जूस,
चाय हमने आपकी हटाई और बोला फ्रूट जूस, अब आप नहीं ले पा रहे हैं फ्रूट जूस तो आप फिर क्या लेंगे, कोई लस्सी ले लीजिए, मठा ले लीजिए, मतलब आप चाय को अवॉइड करिए और इस तरह का लीजिए। ढोकला ले सकते हैं आप शाम को, या कभी आपको भूख लग रही तो पोहा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए कि आप दलिया के प्रिपरेशंस ले सकते हैं, मतलब अर्ली इवनिंग और लेट इवनिंग जो दो मैंने डाले हैं उसमें से आपके शेड्यूल के हिसाब से क्या आ रहा है। कई कुछ बच्चे शाम को खेलने जा रहे हैं तो वो लौट के थोड़ा सा हैवी ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं या सूजी की सूजी दूध ले सकते हैं, दलिया दूध ले सकते हैं। ज्यादा आपको उसके लिए बहुत प्रयास करना नहीं है, कोई बहुत ज्यादा किचन में घुसना नहीं, दलिया आपने सुबह ही बना के रख दी है, सिर्फ आपको निकाल के उसको गर्म करके लेना है। तो ये प्लानिंग की जो हम बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं कि आप प्लानिंग को किस तरीके से अपने उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और अपनी जो घर की जो प्लानिंग है, घर का जो बजट है, उसी में से ही आप अपने लिए इंक्लूड कर रहे हैं। रात के खाने में आपने ब्लैंड वेजिटेबल एंड पल्सेस प्रिपरेशन, खीर, रात को मीठा जरूर खाना चाहिए। अभी जिस एज में आप लोग हैं, मैंने आपको बताया ना रात भर के फास्ट के बाद सुबह, तो जो रात को मीठा खा के सोने से जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा बना रहता है, सुबह सिर भी नहीं दुखेगा आपको और फ्रेश लगेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा जब माइग्रेन होता है तो दूध जलेबी बोलते हैं सुबह सुबह खाने के लिए, वो वही रीजन होता है कि आपको जो एनर्जी लेवल है वो सही उसका आपका बना हुआ रहना चाहिए। तो ये एक सैंपल मेनू है, दिस इज नॉट अ कॉपीराइट, इसको आप बिल्कुल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे आइटम्स तो छूट ही रहे आपको, जैसे ये डिनर के समय आप एक वेजिटेबल पुलाव ले लीजिए और रायता ले लीजिए और एक खीर ले लीजिए, कॉम्बिनेशन पे देखिए कि आपने इतना सारी सब्जियां और उसमें न्यूट्री नगेट भी डाल दिया, थोड़ी सी दाल भी डाल दी, दलिया भी डाल दिया, तो आपका एक जो पुलाव बना है वो मिश्रित उसके अनाजों से मिलके बना हुआ है तो बहुत ज्यादा पौष्टिक है। और उसके साथ आपने रायते के साथ उसको ले लिया तो ककड़ी का रायता ही ले लिया, लौकी का रायता ले लिया और खीर ले ली एक कटोरी, तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका आ रहा है उठ के, दैट विल गिव यू मोर न्यूट्रिशन, ज्यादा न्यूट्रिशियस वो होगा। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये जो सैंपल मेनू है इस तरह का मेनू आप 7 दिन का बनाइए। नेक्स्ट क्लासेस में आपसे मैं पूछूंगी, सैटरडे की जो मेरी आखिरी क्लास इस सेशन की होगी, क्या क्या आप लोग ने बनाया नहीं बनाया। जो लोग बनाएंगे वो बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है मील प्लानिंग वो यही है कि हमें हमारे परिवार का बजट, हमारी फैमिली साइज, उसमें जो लोगों की आयु और उनकी क्रियाशीलता, इन सबको देखते हुए ही आहार को नियोजित करना चाहिए। और अगर आप वीकली और मंथली पे ध्यान देंगे तो आपका बजट भी बहुत संभलेगा और आपको ज्यादा वैरायटी के फूड्स भी मिलेंगे, मतलब जितना आप सोचेंगे उतना ही आपकी प्लानिंग बढ़ती जाएगी। और आप एक पेपर पे उसको करते जाएंगे तो आप अपना काट के उसको बदलते जाएंगे, और जब नेक्स्ट शॉपिंग स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा अच्छे से आप नई नई चीजों को लेके आ सकते हैं, अपने प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। हर मंथ की प्लानिंग आप बदलते जा सकते हैं यदि एक मंथ का प्रयास आप करें। तो मेरे ख्याल से आप आज 15 तारीख है, आप आज 15 दिन का अप्रैल की प्लानिंग कर लीजिए और फिर देखिए, मतलब अप्रैल के एक हफ्ते की ही कर लीजिए और मई की पूरी मंथली कर लीजिए, और फिर देखिए कि आप अपने लिए कितने पौष्टिक रूप से आहार को नियोजित कर पाते। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इंटरैक्टिव हो जाएं, और बहुत ध्यान से जो बच्चे सुन रहे थे वो प्लीज प्रश्न पूछे, यहाँ से कम आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। फटाफट प्रश्न पूछिए। क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। हेलो,
हेलो। हेलो, क्वेश्चंस प्लीज। कहाँ से पूछ रहे हैं? आवाज तो आ रही है कुछ दूर। चलिए फिर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू।